मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सारे जितने भी फिल्म देखने वाले प्यारे लोग हैं इस पृथ्वी पर। तो ये गढ़वाली फिल्म में, गढ़वाली भाषा में ये फिल्म बनी है और ये राष्ट्र रक्षकों के नाम समर्पित हुई है ये फिल्म। हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, कई और मंत्री रहे साहेब हमारे, और बहुत बड़े शिक्षक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, अच्छा नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, दार्शनिक हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं। इनका नाम तो देखिए ऐसे कहने को रमेश पोखरियाल निशंक साहब हैं, लेकिन नाम से ज़्यादा काम होता है, पहचान की जो सूत्र होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। यदि अंकुरण ही यहाँ से उगा है तो बात बड़ी है। और फिर क्षेत्रीय भाषाएं जो होती हैं वो हृदय की भाषाएं होती हैं, वहीं से हम सब बने हैं। जितने भी बड़े लोग हैं वो छोटेपन से शुरू होते हैं। वो सीढ़ी दर सीढ़ी, बालू की भीत बिखर गई बूरा, तेरे दाना हाथ नहीं आवे, इतना नन्हा बन मेरे बीरा, चीटी बन चुक जावे। तो चीटी से ही प्रारंभ होता है पूरा संसार, और हम हिमालय पुत्र हैं, वहीं से ये अंकुरण हुआ। अच्छी स्टोरी है, अच्छे लोग जुड़े हैं, भले लोगों ने कलाकार होकर भी, ये हेमंत पांडे हैं, इनके आप व्यक्तित्व पर यदि कभी निष्कर्ष करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि कोई कलाकार भी और बम्बई में रहने वाला भी ऐसा वाला मानव होता है। ज़्यादातर उनको फिर व्यापार घेर लेता है कलाकार को, लेकिन जो व्यापार होना और व्यवहार होना जो इसका एक संतुलन बना ले वो जीवन अच्छा जीते हैं। ये आरुषि जी हैं, इन्होंने ये पूरा एक समागम किया और इन्होंने पूरा बीड़ा उठाया, और ये पूरा एक अच्छे सब्जेक्ट पर और अच्छे विचारों को लेकर, अच्छे कलाकारों को लेकर ये फिल्म बनी है। मैं चाहता हूँ आप थोड़े बहुत 50-60 रुपये, 100 रुपये, जितने भी, आजकल तो चाय भी इतने की आने लगी हैं सड़कों की, पहले तो ढाबों पे मैं सोच रहा था चाय अभी तो वहीं होगी जी, अभी 12-14 रुपये की एक दिन हमने पी थोड़ी सी टपरी पे चाय। यहाँ ढाबे में, ढाबे को टपरी बोलते हैं बम्बई में, तो टपरी की हमने पी एक दिन, 15 रुपये एक चाय के मांगे, तो हमने फिर 100 का नोट निकाल के उनको दिया, 2 चाय पी थी, या यही रख लो, इसको ब्राह्मण की एक दक्षिणा मान के रख लीजिए। तो कैलाश जी ने बहुत सारी भाषाओं में गाना हमेशा गाया है, लोगों ने पसंद किया है, लेकिन जिस तरह से गढ़वाली भाषा में जब आपको गाना गाने के लिए कहा गया, आपको कहीं मुश्किलें आई कुछ? 7 का अंक होता है शिवलिंग, याद रखिए, 7 जुलाई को मैं उत्पन्न हुआ हूँ शरीर रूप में, भौतिक रूप में, और ये जो गढ़वाली जो भाषा हुई हमारे जीवन में, ये 25वीं भाषा बनी। 25 का योग कितना होता है जी? 7 होता है। तो भगवान शिव जो हैं यहाँ भी स्थापित हो गए हैं। 24 भाषाओं में गाया था, 25वीं गढ़वाली हो गई, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं आए। तो ये हम, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है मेरठ में, मेरठ तब उत्तर प्रदेश है, और तब उत्तर प्रदेश ही था हमारा उत्तराखंड भी, लेकिन मैं रहा ऋषिकेश में, गंगा तट पर, तो इसलिए मैं पहाड़ियों से ज़्यादा पहाड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जुनून बहता है, सांस नहीं बहती, सांस तो सब ले रहे हैं, मैं जुनून लेता हूँ, बस जुनून है, आ रहा जा रहा है बस। तो कैलाश जी कोई 2 लाइन कोई गाना गुनगुनाना चाहिए? हाँ, ये मैं जुनून की बात कर रहा हूँ, और हमारी, हमारे प्यारे साहेब, हमारे आदर्श यहाँ खड़े हैं अरुण जी, जिनको भगवान राम का एक तरह से अवतार ही मान लिया था पर पृथ्वी पर देशवासियों ने, तो इतना प्रेम इनको मिला, और हमारे भारतवासियों को मैं नमन करते हुए, हेमंत पांडे जी हैं हमारे साहेब हैं, और ये राजेश जी हैं, इन्होंने हिम्मत करके ये सब बटालियन जोड़ी है, जो प्यारे लोग आप जैसे अभी तक नहीं, तो ज़्यादातर ग्लैमरस इवेंटों में ही टिक पाते हैं आप लोग, ऐसे में कम टिक पाते हैं, ठीक है, फिर भी आप टिके रहे। तो मैं आप सबको समर्पित करता हूँ जुनून का ही गाना। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हो, हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ हाँ जी हो गई मैं, मेजर निराला की दीवानी।
दीवानी। कैलाश जी 21 जून को योगा दिवस है, योगा दिवस पे कहाँ नजर आएंगे आप कहीं जाने वाले? मैं एक्चुअली कणकण में हूँ क्योंकि मैं परमात्मा का ही पसीना हूँ। जैसे दाता कणकण में है, मैं भी कणकण में हूँ। कल से हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है। कल हम लखनऊ में हैं, परसों हम जोधपुर में हैं, तरसों हम इंदौर में हैं। तो हम जहाँ भी हैं योगा हैं। क्यों? क्योंकि मैं योग की ही उत्पत्ति हूँ। हम सब योग की उत्पत्ति हैं। जब दो मिलन होते हैं तब सृजन होता है। उस दो मिलन को ही योग कहते हैं। और हमारे पांच तत्वों का मिलन है, हमारे नवग्रहों का मिलन है। जहाँ भी मिलन है, वेर एवर देर इज़ अ डिवाइन यूनियन देर इज़ योग। और योगा तो अंग्रेजों ने बना दिया, ए लगा दिया। हाँ, योग है वो। बल्कि गंगा से ए हटा दिया, वहाँ गैंजेस कर दिया। देखो, उन्होंने अपनी कंफर्ट से चले, लेकिन फिर भी हम कितने भोले हैं। जो वो बोल के गए, कोई और गैर आके हमें बता गया कि अपनी माँ का नाम ऐसा लिया करो। आजकल तो सब अंग्रेज बने गैंजेस। या यू नो होली गैंजेस, गैंजेस नहीं बेटा, गंगा। और योग था, योग में आ जोड़ दिया, जहाँ था वहाँ हटा दिया। बावले हैं, बावले।